नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का अपना चैनल ज्योतिष सूक्ष्म उपाय में स्वागत करता हूँ। आपसे मिल रहे प्रेम का तहे दिल से आभारी हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न या राशि के जातकों से जुड़ी रहस्यमय बातों के बारे में। परंतु उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। पहली बात, कर्क लग्न या राशि के जातक स्त्रियों से शीघ्र प्रभावित होने वाले होते हैं। दूसरी बात, आप भाग्य को जानने वाले होते हैं, ज्योतिषी अथवा ज्योतिष में रुचि रखने वाले होते हैं। तीसरी बात, आपको शांति व प्रेम से वश में किया जा सकता है, गुस्से से नहीं। चौथी बात, आप लोगों को असंभावित रोगों से ग्रस्त होने का भ्रम हमेशा बना रहता है। बीमार हुए अजीब से ख्यालात मन में आते रहते हैं कि कहीं ये बीमारी ये तो नहीं, या ये बीमारी इस बड़ी बीमारी का रूप ना ले ले। पांचवी बात, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की तीव्र लालसा आप में होती है, सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। छठी बात, जीवन में आपको कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, परंतु समस्त समस्याओं का सामना तथा समाधान आप दृढ़तापूर्वक करते हैं। विषम परिस्थितियों से भी आप घबराते नहीं हैं। सातवीं बात, प्रकृति के प्रति आकर्षण रहता है, पहाड़ों पर घूमना पसंद होता है, धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा हमेशा बनी रहती है। आठवीं बात, खाने में नमक ज़्यादा पसंद करते हैं, नमकीन स्वाद आपको अधिक पसंद होता है। नौवीं बात, स्त्रियों के समान बातचीत के शौकीन होते हैं, मित्रों से आपको सहायता तो मिलती है परंतु हमेशा नुकसान भी बना रहता है। दसवीं बात, कफ तथा पित्त जनित रोग होने की संभावना रहती है, चर्म रोग व हृदय रोग अक्सर आप में देखने को मिलता है। ग्यारहवीं बात, यदि जातक लड़की है तो उसका बोल भारी होगा, बातूनी होगी, परिवारजनों से आदर व स्नेह कम मिलता है, सच बताऊं तो हमेशा आदर व प्रशंसा पाने की भूखी रहती है। आप यदि लड़की हैं तो सुयोग्य पति नहीं मिलता अथवा पति अनमेल होता है, बेशक आप पति को खूब प्यार करती हैं परंतु फिर भी दाम्पत्य जीवन में कलेश बना रहता है। अंतिम बात, आप लोग संतान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, घर परिवार के लोगों से मोह रहता है, अतः उन्हें छोड़कर दूर जाना आपको पसंद नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट नए नए विषयों पर वीडियोज़ लाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।